Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum, and we are doing chapter 5 which is Expansion and Consolidation of British Power in India. Last lecture mein humne Anglo-Maratha Wars finish kar liya tha, and today we will be dealing with the conquest of Sindh. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. Okay, so let's get started and let's have a look at the question first. Your question is, conquest of the Sindh was deliberately manufactured by the British. Comment on the statement. Question aapka keh raha, I'm sorry, I have written it as a question 3, but it is question 1 only for this lecture. So, Sindh ka conquest British ne khud manufacture kiya, that is, khud conditions create kiya uske conquest ke liye, and aapko is statement pe comment karna hai. Okay, so let's begin. थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सिंध में 19th सेंचुरी में कौन रूल कर रहा है एंड उससे पहले कौन रूल कर रहे थे. ओके ओके, सो इन द 19th सेंचुरी इंग्लिश को सिंध थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था, एंड क्योंकि यहाँ पे इनको ऑलरेडी काफ़ी ट्रेड फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, एंड आपको पता है कि उस टाइम पे मुगल एम्परर्स जो हैं वो क्या इशू कर देते थे, फरमान इशू कर देते थे. फरमान्स वर नथिंग बट दी ट्रेड प्रिविलेजेस, एंड इस टाइम पे सिंध में इनको, कब की बात करें हम, 1630 की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे मुगल एम्परर ने इनको, इंग्लिश को सिंध में कुछ ट्रेड प्रिविलेजेस दे दिए हैं. अच्छा, 1630 में इस टाइम पे मुगल एम्परर कौन है आपका? ही इज नन अदर देन बट शाहजहां. ओके, सो रिमेंबर दिस, शाहजहां ने इनको फरमान इशू कर दिया था कहां, सिंध में, फॉर द ट्रेड प्रिविलेजेस. ओके, तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन रूल कर रहा है किस टाइम पे. अभी हम देखेंगे कि 18th सेंचुरी में यहाँ पे कौन रूल कर रहा है. ठीक है, तो 18th सेंचुरी में अभी वैसे तो तालपुरा आमिर्स आपके रूल कर रहे हैं, नाम याद रखना है, तालपुरा आमिर्स. ठीक है, लेकिन तालपुरा आमिर्स से पहले कौन रूल कर रहा था? देवर दी कल्लोरा चीफ्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, कल्लोरा चीफ्स वर एक्चुअली रूलिंग द सिंध इन द 18th सेंचुरी, एंड तालपुरा अमीर्स दे सक्सीडेड द कल्लोरा चीफ्स. ओके, एंड 1758 में इंग्लिश ने यहाँ पे एक फैक्ट्री भी बिल्ड की है. कहाँ पे? द प्लेस इज थट्टा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव. दे कैन आस्क यू दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर फैक्ट्री इन सिंध. ओके, सो थट्टा इज द प्लेस. ओके, आ जाते हैं 1761 में, हम आ जाते हैं यहाँ पे, रूल कर रहे हैं गुलाम शाह. ओके, नाउ व्हेन द इंग्लिश अराइव्स हियर, यहाँ पे जब इंग्लिश आते हैं तो इनको ये, इनके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, एंड पहले से जो इनको ट्रेड प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ठीक है, उसके साथ एक और इनको ट्रेड प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, दैट इज अदर यूरोपियन पावर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रेडिंग देयर. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश. तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल गया है इंग्लिश को, कि इंग्लिश के अलावा और कोई यूरोपियन पावर, वेदर इट इज़ फ्रेंच, वेदर इट इज़ डच एंड दी अदर यूरोपियन पावर्स हु वर दैट टाइम ट्रेडिंग इन इंडिया, वो अब ट्रेड नहीं कर सकती कहाँ, सिंध में. एस्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दी थट्टा. ओके, सो ये जो एडवेंटेज है कि एक्सक्लूसिव ट्रेड का एडवेंटेज, ये इंग्लिश ने कब तक इन्जॉय किया? 1775 तक, जब तक ये आपके गुलाम शाह वहाँ पे रूल कर रहे थे. ठीक है, एंड इसके बाद लेकिन एक नया रूलर आता है, एंड द नेम इज सरफराज खान, बट ही इज नॉट टू फ्रेंडली विद द इंग्लिश, एंड वो इंग्लिश को कहते हैं कि आप जो है अपने यहाँ पे फैक्ट्री जो है वो क्लोज कर दो, यू आर नॉट नाउ अलाउड टू ट्रेड हियर. सो रिमेंबर दिस, कि पहले गुलाम शाह तो उनको एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस दे देते हैं, बट देन सरफराज खान उन्हें मना कर देते हैं ट्रेड के लिए. ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा आगे आते हैं, हम 1770s में पहुंच गए हैं. तो एक बलूच ट्राइब है आपकी जिसका नाम है तालपुराज. तो बलूच, चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा मैप में दिखा देती हूँ कि सिंध का रीजन क्या है हमारे यहाँ. ये थोड़ा आपका लेटर टाइम्स का मैप है, आप देख रहे हैं 1843 लिखा हुआ है, लेकिन जनरल आइडिया लेने के लिए कि सिंध की क्या लोकेशन थी, दिस इज़ नॉट बैड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में जो एरिया मार्क्ड है, ये आपका सिंध है, एंड यहाँ पे उसके ऊपर जस्ट आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान वाला ही एरिया है आपका, दिस इज़ बलोच. ठीक है, यहाँ पे आपके, यहाँ के जो माउंटेन्स थे, हिल एरियाज थे, यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती थी? बलोच ट्राइब वॉज
ऑक्यूपाइंग द हिल्स ओके इन दिस एरिया. तो यहां से क्या हुआ, यही इसी एरिया से सिंध में आपकी ये बालोच ट्राइब एंटर की, ठीक है. फ्रॉम द हिल्स दिस बालोच ट्राइब एंटर एंड यही लेटर ऑन जाके आपके क्या बने, तालपुरा आमिर्स. चलिए देखते हैं आगे. ओके सो तालपुराज वर द नेम ऑफ दैट बालूच ट्राइब जो यहाँ पे सिंध में आके सेटल हो गई थी, ठीक है. दे सेटल्ड इन द प्लेन्स ऑफ द सिंध एंड दे वर एक्सेलेंट सोल्जर्स एंड एडेप्टेड टू द हार्ड लाइफ. ऑब्वियसली माउंटेन्स में रह रहे थे तो जो माउंटेन सेटलर्स होते हैं, इनहैबिटेंट्स होते हैं, दे आर जनरली एडेप्टेड टू द हार्श एनवायरमेंट ऑफ द माउंटेन्स एंड टेम्परेट रीजंस. तो दे वर रियली स्ट्रॉन्ग यू नो एंड सून दे यूजर्प्ड द पावर इन द न्यू रीजन. तो सिंध में उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे आपके ओके जो कल्लोरा चीफ्स आपके रूल कर रहे थे, उन्होंने इनसे पावर छीन के ऑक्यूपाई कर लिया. ओके तो 1783 में तालपुराज ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर फतेह अली खान अपना पूरा होल्ड सिंध के ऊपर उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया एंड कलोरा चीफ्स को वहां से निकाल दिया, एग्जाइल कर लिया उनको, ठीक है, बंदी बना लिया उनको. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि पहले कलोरा चीफ्स रूल कर रहे थे 18th सेंचुरी में ही, इनिशियल में आपके कलोरा चीफ्स रूल कर रहे हैं बट लेटर ऑन एंड तक आते आते 18th सेंचुरी के आपके तालपुराज ने सिंध में पावर एक्वायर कर ली है. सो रिमेंबर इट ओके एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, मीर फतेह अली खान. ओके लेट्स मूव अहेड. नाउ मीर फतेह अली खान वर एक्चुअली फोर ब्रदर्स. तो इनको पॉपुलरली कहा जाता है चार यार, नाम से पता चल रहा है दैट इज फोर ब्रदर्स. तो चार भाई थे, पॉपुलरली नोन एज चार यार. एंड व्हेन द मीर फतेह डाइड इन 1800 तो ये जो ब्रदर्स थे इन्होंने अपने किंगडम को डिवाइड कर लिया इन द आमीर्स और द लॉर्ड्स ऑफ द सिंध. मतलब जो डेजिग्नेशन खुद को दी उन्होंने, खुद को वो कहलाने लगे एज आमिर या फिर लॉर्ड ऑफ द सिंध. तो सिंध को उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया. ओके ओके देन ये जो लॉर्ड्स हैं सिंध के, ये अब सिर्फ सिंध में कन्फाइंड नहीं रहना चाहते, ये और फर्दर इंडिया की तरफ भी एक्सपेंड करना चाहते. तो इन्होंने जोधपुर यानी दैट इज जो राजस्थान वाला आपका एरिया, यहाँ तक ये लोग आ गए हैं और यहाँ से इन्होंने अमरकोट को कॉन्कर कर लिया है फ्रॉम द राजा ऑफ जोधपुर. सिमिलरली इन्होंने कराची को अपने हाथ में ले लिया है फ्रॉम द चीफ ऑफ लुज. देन शिकारपुर है एंड बुकार फ्रॉम द अफगान्स. तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ सिंध में ना कन्फाइंड होके अपने चारों डायरेक्शंस में एक्सपेंड कर रहे हैं. ओके दे आर एक्सपेंडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस. इंडिया की तरफ ये ईस्ट में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, इधर ऊपर आपका अफगानिस्तान है तो नॉर्थ वेस्ट में भी एक्सपेंड कर रहे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए. नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस लूज द चीफ ऑफ लूज एंड ऑल, जस्ट रिमेंबर कि एक्सपेंशन किया एंड ये कराची एंड बुकार एंड शिकारपुर एंड द अमरकोट ये इन्होंने कॉन्केयर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया. ओके अभी हम क्योंकि क्वेश्चन हमारा था हमको कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध दिखाना है, तो ये सारा आप जो है किस में डालेंगे मैं आपको यही बता दे रही हूँ इसको बहुत ही शॉर्ट में कि कैसे तालपुराज से सॉरी कैसे कल्लोरा चीफ्स से पावर आ जाती है तालपुराज के हैंड में. बहुत शॉर्ट में आप इसको इंट्रो में डाल सकते हैं, ठीक है, कि कौन रूल कर रहा था सिंध में उस टाइम पे. प्लस आपको क्या इंट्रो में डालना है कि मुगल एम्परर शाहजहां ने फरमान दिया था, ठीक है, इंग्लिश कंपनी को सिंध में ट्रेड करने के लिए. तो इंग्लिश का प्रेजेंस बहुत पुराना था सिंध में, नया नहीं था. यू हैव टू टेल अबाउट दिस इन द इंट्रो, ठीक है, इंट्रो हो गया आपका. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन बॉडी ऑफ द आंसर. ग्रेजुअल एसेंडेंसी ऑफ सिंध दैट इज सिंध के ऊपर अब इंग्लिश कैसे धीरे धीरे अपना कब्जा अपना होल्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है. नाउ 18th सेंचुरी में कॉमन बिलीव था कि नेपोलियन जो है वो टीपू सुल्तान के साथ मिलकर इंडिया को इन्वेड करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, एक षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, इस तरीके से उस टाइम पे एक तरीके का ये र्यूमर था. नाउ आपको पता है 1799 में टीपू सुल्तान डाइड, ओके, और जो वॉर्स चल रहे थे इंग्लिश के मैसूर के साथ वो भी ख़त्म. ओके हमने ये ऑलरेडी कर लिया है लास्ट लेक्चर्स में. नाउ लॉर्ड वेजली वॉज द गवर्नर जनरल दैट टाइम, इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हिम एज वेल. नाउ ही वॉन्टेड टू रिवाइव द कमर्शियल रिलेशंस विद द सिंध. आपको याद है अभी जस्ट हमने ऊपर क्या देखा कि सरफराज खान ने इंग्लिश को मना कर दिया था ट्रेड करने से, ठीक है, ये आपके सरफराज खान ने इन्होंने मना कर दिया. तो अब एक इंटरिम पीरियड चल रहा है इंग्लिश के लिए दैट इंग्लिश इज नॉट
ट्रेडिंग इन द सिंध एज सच. आई एम नॉट सेइंग कि सारे उन्होंने फैक्ट्री वगैरह अपनी क्लोज कर ली है, बट एक इंटरिम पीरियड आ गया है जहाँ पे इंग्लिश अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं सिंध में. अब 1799 में लॉर्ड वेल्सली चाहते हैं कि जो सिंध के साथ हमारे कमर्शियल रिलेशंस है, दैट इज जो हमारे ट्रेड पहले चल रहे थे वहाँ पे, वो अब दोबारा से स्टार्ट किया जाए. लेकिन इसके पीछे एक दूसरा उनका हिडन एजेंडा क्या था, दैट ही एम्ड टू काउंटरेक्ट द अलायंस ऑफ द फ्रेंच, टीपू सुल्तान एंड शाहजमन. ओके, तो आपको पता है कि 1799 में आपका कौन सा वॉर चल रहा है, मैसूर का वॉर चल रहा है, और लॉर्ड वेल्सली को किसको ख़त्म करना है, टीपू को उनको सीन से हटाना है. तो ये एक तरीके का उनका एक प्लान था, एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं अगर सिंध में ट्रेड करता हूँ, मुझे किसी तरीके से सिंध में अगर होल्ड मिल जाता है, तो ये जो फ्रेंच का, टीपू का और ये शाहजमान आपके काबुल के मोनार्च हैं, इनका अलायंस बना हुआ था उस टाइम पे, इनकी ग्रुपिंग बनी हुई थी, देवर हेल्पिंग ईच अदर, तो मैं इनको काउंटर एक्ट कर पाऊंगा. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. नाउ नेगोशिएशंस हुए, किसके साथ नेगोशिएशंस हुए, विद द फतेह अली खान. ओके, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान अभी हैं, ठीक है, तो उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से, प्लस वहाँ के कुछ लोकल ट्रेडर्स हैं जो जेलस फील कर रहे हैं कि इंग्लिश अगर आ जाएंगे तो हमारा ट्रेड कम हो जाएगा, प्लस उनके साथ एंड एंटी ब्रिटिश पार्टी एट हैदराबाद, दैट इज़ ये आपको यहाँ पे, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एक अमीर है, मतलब एक हैदराबाद से भी उनको एक ऑपोजिशन मिल रहा है, ब्रिटिश को ऑपोजिशन मिल रहा है. तो ब्रिटिश एजेंट को कहा गया कि आप जो है सिंध छोड़ के बिल्कुल यहाँ से चले जाओ. Now this was very humiliating incident for the British, ठीक है, and इसके बाद ही अब जो है British पूरे gear up हो जाते हैं to conquest Sindh. तो ये story आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि Lord Wellesley ने सोचा commercial relations जो है हम revive करेंगे, क्योंकि अब हम answer के first part पे चल रहे हैं. ठीक है, intro हो गया हमारा, ये आपका first point बनेगा answer का, that is gradual ascendancy over Sindh. तो यहाँ पे कैसे दिखाना है कि लॉर्ड वेल्सली वांटेड टू रिवाइव द कमर्शियल रिलेशंस, लेकिन अलायंस किसका बना हुआ था, अलायंस ऑलरेडी यहाँ पे जो पहले फ्रेंच और टीपू सुल्तान और शाहजमान का जो अलायंस था उसको काउंटरैक्ट लॉर्ड वेल्सली करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने व्हेन दे वांटेड टू रिवाइव देयर रिलेशंस, लेकिन उनको ऑपोजिशन मिला जिसकी वजह से उनको सिंध फाइनली वहां से छोड़ के जाना पड़ा. ठीक है, ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड, वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, बट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रीटी आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू, एंड द क्वेश्चन इज हु वर द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ द ट्रीटी और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द ट्रीटी. ओके, सो दिस ट्रीटी इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, सो येस आई फ्रेम्ड अ डिफरेंट क्वेश्चन फॉर दिस. ओके, सो वॉट इज दिस ट्रीटी, नाउ 1807 की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, यहाँ पे रशिया और नेपोलियन बोनापार्ट, दे हैव फॉर्म्ड एन अलायंस, नाउ दे वांट टू इन्वेड इंडिया. ठीक है, ईयर याद रखना, 1807 की बात कर रहे हैं. सो नाउ ब्रिटिश आर ऑल्सो, देखिए रशिया के इन्वेजन से ब्रिटिश बहुत ज़्यादा देवर स्केयर्ड ऑफ इट. ओके, सो दे वॉन्टेड टू समहाउ काउंटर एक्ट इट, एंड कैसे करेंगे, दे वॉन्टेड टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन रशिया एंड द ब्रिटिश इंडिया. ऑब्वियसली बैरियर बनाएंगे तो उनको हेल्प मिलेगी फाइट करने में. इसके लिए क्या किया इन्होंने, दे सेंट टू अचीव दिस, लॉर्ड मिंटो सेंट 3 डेलीगेशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ वेरियस प्रोमिनेंट पर्सन्स टू फोर्ज अलायंसेस, दैट इज जो उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में स्पेशली रूल कर रहे थे, वहाँ पे अलायंस बनाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ आदमी भेजे कि जाके बात करो और उनके साथ ट्रीटी साइन करो. सिमिलरली आपके, अच्छा यहाँ पे आपका ये जो आपके लॉर्ड मिंटो जी है ना, ही इज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दिस टाइम. ठीक है, 1807 में ये बने थे, तो इन्होंने कुछ वेरियस प्रोमिनेंट पीपल को भेजा अलायंस बनाने के लिए. तो एक इन्होंने भेजा मेटकाल्फ को, कहाँ, लाहौर भेजा. ठीक है, ध्यान देना इस पे. देन एल्फिनस्टोन को भेजा काबुल उन्होंने, एंड देन मालकॉम को भेजा तेहरान. तो देख रहे हैं आप कितने डिफरेंट एरियाज में भेजा इन्होंने, क्योंकि ये एरियाज, तेहरान दैट इज योर ईरान वाला एरिया, ठीक है, काबुल आपको पता ही है अफगानिस्तान, ठीक है, लाहौर आपको पता ही है पाकिस्तान. तो ये बफर एरियाज हैं बिटवीन द रशिया एंड द इंडिया. ठीक है, मैप में देखना है आपको ध्यान से. तो ये एरियाज में इन्होंने भेजे अलायंस बनाने के लिए, एंड सिंध में इन्होंने भेजा किसको, निकोलस स्मिथ को.
अब ये निकोलस स्मिथ किससे मिलते हैं, अमीर्स, वहां के वही जो लॉर्ड्स हैं आपके सिंध के जो रूल कर रहे हैं, वहां उनको मिलते हैं और उनके साथ कंक्लूड करते हैं एक डिफेंसिव अरेंजमेंट, दैट इज अ ट्रीटी डिफेंड करने के लिए फ्रॉम द ब्रिटिश. ठीक है, नाउ ये सबसे पहली ट्रीटी थी जो इंग्लिश ने साइन की थी विद द अमीर्स, दैट इज विद द सिंध. ओके, तो अमीर्स एग्रीड टू अ ट्रीटी, देयर फर्स्ट एवर ट्रीटी विद द इंग्लिश, एंड दिस ट्रीटी इज नोन एज द एटर्नल फ्रेंडशिप ट्रीटी. सो रिमेंबर दिस. एंड क्या होता है इस ट्रीटी के टर्म्स क्या है, दैट बोथ साइड्स अग्रीड टू एक्सक्लूड द फ्रेंच फ्रॉम सिंध. अब फ्रेंच तो वैसे भी इंग्लिश के राइवल्स थे और दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम फ्रेंच को सिंध में नहीं आने देंगे. फिर इस ट्रीटी को फिर से रीन्यू किया गया 1820 में, एंड यहाँ पे एक और आर्टिकल इन्होंने ऐड कर दिया जिसमें इन्होंने अब अमेरिकन्स को भी एक्सक्लूड कर दिया. तो धीरे धीरे क्या कर रहा है इंग्लिश, अपने जो राइवल्स हैं उनको एक एक करके हटा रहा है. ठीक है, तो पहले फ्रेंच को एक्सक्लूड करा दिया और फिर अमेरिकन्स को एक्सक्लूड करा दिया. तो यहाँ एक तरीके से ना दो एजेंडा है इंग्लिश के, एक तो उनको बफर स्टेट तो बनाना ही है रशिया से इन्वेजन ना हो इसकी वजह से, एंड सेकेंड उनको कॉन्क्यर भी करना है सिंध. क्योंकि हमने क्या देखा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अगर याद हो, have a look at the question, conquest of the Sindh was deliberately manufactured by the British, that is wo conditions create kar rahe the iske liye. To ye kahin na kahin aapko yahan pe evident nazar aayega is treaty of eternal friendship mein. Theek hai, samajh mein aa raha hai? So this is important. Okay, to ye aapka treaty of eternal friendship jo hai ye ab aapka is question ke answer ke liye second point ho gaya. Remember this. And fir jo पर्टिकुलर आपने इसके लिए क्वेश्चन देखा उसमें तो आप इसको आंसर करेंगे, दैट हु वर द पार्टीज, पार्टीज कौन थे, अमीर्स ऑफ द सिंध एंड इंग्लिश. ठीक है, ब्रीफ नोट आप देखेंगे क्या टर्म्स थे ट्रीटी के. ओके, लेट्स मूव टू ट्रीटी ऑफ 1832. अब एक और ट्रीटी साइन होती है, ये साइन हो रही है ट्रीटी आपकी 1832 में, ईयर इज इंपॉर्टेंट. नाउ विलियम बेंटिंक एक्चुअली आपके नए गवर्नर जनरल बन गए हैं. ठीक है, सो विलियम बेंटिंक इज द गवर्नर जनरल एंड ये कॉलोनल पॉटिंगर को भेजते हैं सिंध टू साइन अ ट्रीटी विद द अमीर्स, एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए. एंड क्या टर्म्स हैं इस ट्रीटी के वो आपको देखना है, कि सबसे पहले तो फ्री पैसेज मिलेगा थ्रू सिंध, कि इंग्लिश को सिंध से जाने के लिए रास्ता जो है दिया जाएगा, प्लस यहाँ के जो इंग्लिश ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको भी रास्ता दिया जाएगा. एंड यूज ऑफ इंडस फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज, जो इंडस आपकी रिवर फ्लो कर रही है, आपने देखा है इंडिया से निकलने के बाद, ठीक है, वो कहाँ एंटर करती है, पाकिस्तान में और सिंध वाले रीजन में. तो यहाँ पे इंडस की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी कि वहाँ से ट्रेड किया जा सके. बट हाउ एवर नो वॉरशिप्स वुड प्लाई नॉर एनी मटीरियल्स फॉर वॉर वुड बी कैरिड, लेकिन वॉर के लिए कोई भी सामान आप यहाँ से लेके नहीं जाओगे. ठीक है, ये कुछ टर्म्स थे आपके ट्रीटी के फर्स्ट. सेकेंड आपका क्या है, नो इंग्लिश मर्चेंट वुड बी सेटलिंग डाउन इन द सिंध, सिंध में कोई इंग्लिश मर्चेंट जो है वो सेटल नहीं होगा. ठीक है, रेसिडेंसी क्रिएट नहीं करेगा. एंड ट्रैवलर्स को पासपोर्ट चाहिए होंगे इस रीजन में ट्रैवल करने के लिए, विजिट करने के लिए. ठीक है, थर्ड आपका क्या है, टैरिफ रेट्स जो है ना ऑल्टर कर सकता है अमीर्स की, यहाँ पे जो भी ड्यूटीज लग रहे हैं, जो भी टैरिफ्स लग रहे हैं ट्रेडिंग पे, वो अमीर जो है उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ट्रेड टैरिफ बहुत हाई है या लो है. एंड नो मिलिट्री ड्यूज और टोल्स वुड बी डिमांडेड, और जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, जो भी ट्रेड हो रहा है, उनसे कोई भी टोल आप नहीं डिमांड करोगे. ठीक है, ये तीसरी टर्म थी आपकी. फोर्थ है, अमीर्स वुड वर्क विद द राजा ऑफ जोधपुर टू पुट डाउन द रॉबर्स ऑफ कच्छ. दिस इज नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, बस एक टर्म है ये भी ट्रीटी का, कि राजा ऑफ जोधपुर के साथ उन्होंने एक ट्रीटी की कि हम जो कच्छ में जो रॉबरी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसके लिए आपके साथ मिलके काम करेंगे. कौन काम करेंगे साथ में, अमीर एंड राजा ऑफ जोधपुर. ठीक है, चलिए, तो ये जो ट्रीटी है 1832 की, ये हो गया आपके लिए इस आंसर का थर्ड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट है आपका लॉर्ड ऑकलैंड एंड सिंध. नाउ वी हैव कम टू द ईयर, अब हम बात कर रहे हैं 1836 की, ही इज़ द न्यू गवर्नर जनरल. ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड आ गए हैं. देखिए, गवर्नर जनरल एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन आ जाता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था. देखिए, तीन डेजिग्नेशन थी, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे, ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए,
फिर आपके वॉइस रॉय हुए। तो ये पूरा एक लिस्ट इस बुक के पीछे स्पेक्ट्रम के लास्ट में आपको दी हुई है, गो थ्रू इट, क्योंकि एज सच सिर्फ गवर्नर जनरल से डील करता हुआ कोई चैप्टर नहीं है इस बुक में। वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट, बट अभी आप साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर डूइंग दीज चैप्टर्स, तो बीच बीच में आपको देखते रहना है कि क्या क्रोनोलॉजी थी, कौन से टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल आपका आया है। तो इस टाइम पे आपके लॉर्ड ऑकलैंड ने, हम बात कर रहे हैं 1836 की, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल बन गए 1836 में। नाउ सिंध इनको एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन लगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम इंडिया को बचा सकते हैं फ्रॉम दी रशियन इन्वेजन। ओके, अब आपको पता ही है इस टाइम पर रशियन इन्वेजन का डर तो है ही, एंड ऑल्सो ही विश्ड टू ऑब्टेन अ काउंटर एक्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर दी अफगान्स। नाउ यू नो दैट अफगान्स वर ऑल्सो रूलिंग इन दी दैट एरिया, बफर एरिया जो है रशिया और इंडिया के बीच में, तो अफगानिस्तान वाला एरिया भी है, तो वहाँ पे, वहाँ अफगान तक को वो जो है कॉन्कर एक तरीके से करना चाहते हैं, या फिर उनकी इन्फ्लुएंस को काउंटर एक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ रंजीत सिंह आपके इस टाइम पे पंजाब में रूल कर रहे हैं, तो रंजीत सिंह काफ़ी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट थे इंग्लिश के लिए, दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट विद द इंग्लिश। तो इंग्लिश ने रंजीत सिंह के साथ एज सच अभी कोई भी ट्रीटी, इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन नहीं की है, ओके। एंड इंग्लिश ऑल्सो नो कि अभी हमें रंजीत सिंह से इस तरीके से कोई भी पंगा नहीं लेना है, क्योंकि हमें अभी रशिया की तरफ ध्यान देना है। सो रंजीत सिंह वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड, ज़बरदस्ती उन्होंने कोई भी उनके साथ ट्रीटी साइन नहीं की, बट द आमीर्स वर नॉट, लेकिन आमीर्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इंग्लिश को वो ओवरकम कर ले। तो इंग्लिश का व्यू क्या है, दैट दे हैड टू कंसोलिडेट देयर पोजिशन इन द सिंध एज अ नेसेसरी फर्स्ट स्टेप फॉर देयर प्लान्स ऑन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान से अगर डील करना है तो हमें अपनी सिंध में पोजिशन जो है कंसोलिडेट करनी पड़ेगी। सो दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन रंजीत सिंह कैप्चर्ड अ फ्रंटियर टाउन ऑफ सिंध, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, रंजीत सिंह ने सिंध का एक टाउन कॉल्ड एज रोजन उसको कर लिया इन्होंने कॉन्केर, ठीक है। अब यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई किसको, इंग्लिश को, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की या इंटरफेयर करने की, ठीक है। तो अब पॉटिंगर को भेजा गया, हैदराबाद भेजा गया, और वहां पे इन्होंने आमीर्स के साथ एक नई ट्रीटी साइन की, ठीक है। एंड ट्रीटी में कहा गया कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन किससे देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे मे बी फ्रॉम दी रंजीत सिंह जिसने अभी ये कॉन्कर कर लिया है रोजान टाउन सिंध का, एंड फ्रॉम दी अफगान एज वेल, क्योंकि सिंध के लिए भी एक तरफ से आपके नॉर्थ से, नॉर्थ वेस्ट से आपके जो है वो अफगान्स इनके लिए कहीं ना कहीं एक खतरा बने हुए हैं, और इधर से आप देख ही रहे हैं कि रंजीत सिंह जो है आके वो भी कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ 1838 में फिर ये ट्रीटी साइन हो जाती है, तो आमीर्स पहले तो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम नहीं करेंगे ये ट्रीटी साइन, लेकिन हो जाती है व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ द रंजीत सिंह गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स वॉज पॉइंटेड आउट टू देम, इंग्लिश ने उनको थोड़ा डराया कि रंजीत सिंह को जो है ना कहीं से भी हेल्प मिल जाएगी और हो सकता है कि वो कॉन्कर कर लें आपके एरिया को, तो आपको ये ट्रीटी हमसे साइन कर लेनी चाहिए। तो इस ट्रीटी के अंडर क्या हुआ, इस ट्रीटी ने परमिट कर दिया इंग्लिश को टू इंटरवेन इन द डिस्प्यूट्स बिटवीन द आमीर्स एंड द सिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि आमीर्स और सिक्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो इंग्लिश इंटरफेयर कर सकते हैं, इस ट्रीटी में इस तरीके से डिसाइड हो गया, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हुआ कि ब्रिटिश रेसिडेंट वहाँ पे एक प्लेस कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब ये कुछ कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है किसकी तरफ, अब आपको समझ में आना चाहिए जहाँ ब्रिटिश रेसिडेंट प्लेस करने की बात आ जाती है कि इन दी एंड अब ये जो स्टेट है कहीं ना कहीं आगे चल के सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ट्रूप्स का प्रेजेंस वहाँ पे हो गया है, ठीक है। लिखा है इसमें Who could go anywhere he liked, escorted by English troops. मतलब ये जो British resident है ये कहीं भी जा सकता है उस area में, और उसके साथ कौन होगा, उसकी British troops होंगी, तो troops का होना, that is soldiers का होना is a big thing. So Sindh was turned into a British protectorate in 1838. Now this is important कि अब Sindh किसकी protection में आ गया है, British की protection में आ गया है, ओके okay? अच्छा एक चीज़ और I forgot to tell you, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम ट्राइपार्टाइट ट्रीटी में ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखना, एक ट्रीटी आपकी साइन हो गई है, एंड दिस इज योर अगेन नाउ
फोर्थ पॉइंट फॉर दिस आंसर, ठीक है, कि एक ट्रिटी अमीर्स के साथ इन्होंने साइन कर ली है. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्राइपार्टाइट ट्रिटी ऑफ 1838 पहले भी देख चुके हैं और एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे. तो इस ट्रीटी के अंदर यहाँ पे इंग्लिश ने परसुएट किया रंजीत सिंह को. अब ट्राईपार्टाइट है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि तीन पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें, ओके. और कौन कौन है वो तीन पार्टीज देखेंगे हम. तो सबसे पहली पार्टी आपकी रंजीत सिंह, ठीक है. तो रंजीत सिंह के साथ ये ट्रीटी साइन हो रही है इन द ईयर 1838, अग्रीइंग टू द ब्रिटिश मीडिएशन इन हिज डिस्प्यूट्स विद द आमीर्स. अभी ऊपर अभी अभी देखा हमने कि जो ये ट्रीटी यहाँ पे इन्होंने आमीर्स के साथ साइन की है कि इंग्लिश जो है आमीर्स और सिक्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इंटरवीन कर सकते हैं. तो यही तो है, यही प्रिल्यूड था इस मेन ट्रीटी का, ठीक है. अब यहाँ पे भले ही रंजीत सिंह साइन नहीं करना चाह रहे थे बट ही वॉज मेड टू साइन दिस ट्रीटी, ओके, क्योंकि रंजीत सिंह भी तो पार्टी है. डिस्प्यूट्स किसके बीच में हो रहा है, आमिर और सिख के बीच में, तो सिख को भी तो कहीं ना कहीं उस रोल में आना पड़ेगा, तभी तो ट्रीटी सक्सेसफुल होगी, ठीक है. तो ये साइन हो गया एंड देन मेड एम्परर शाह शुजा गिव अप हिज सॉवरेन राइट्स ओवर सिंध. नाउ इस टाइम पे एम्परर कौन है आपके, शाह शुजा, बट ये आपके मुगल एम्परर नहीं है, माइंड इट, ये आपके एम्परर हैं बेसिकली दुर्रानी एम्पायर के. और दुरानी एम्पायर कहाँ रूल कर रहा था, अफगानिस्तान वाले एरिया में, और इनका जो है सॉवरेन राइट था अभी तक सिंध के ऊपर, ठीक है. कहने को आमीर्स रूल कर रहे थे सिंध में, लेकिन दुरानी एम्पायर का सिंध के ऊपर कैसा राइट था, सॉवरेन राइट अभी भी था. तो ये अब इस ट्रीटी के अंडर शाह शुजा भी जो है मान जाते हैं कि ठीक है, अब सिंध के ऊपर जो मेरा राइट है वो सारा ख़त्म. एंड प्रोवाइडेड द एरियाज ऑफ ट्रिब्यूट, कि इंग्लिश डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम आपको इसके बदले में ट्रिब्यूट देंगे, ठीक है, वी विल कॉम्पेंसेट यू फॉर दिस. सो नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. ये ट्रीटी आपकी साइन हो रही है, रंजीत सिंह के बीच में पहली पार्टी है, ठीक है. सेकंड आपके जो है ये शाह शुजा हैं, ठीक है, और थर्ड आपके खुद इंग्लिश हो गए, ओके. सो अगेन ये आपके लिए इस आंसर का फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है. एंड what is that, that is the tripartite treaty of 1838, okay. Now let's move to the subsidiary alliance of Sindh. Finally ab jo hai conquest ho jayega Sindh ka and wo subsidiary alliance mein aa jayega, and the year is very important, 1839, okay. Now in the comment section please tell me isse pehle kon kon se areas jo hai wo subsidiary alliance ke under aa gaye hain, regions aapke subsidiary alliance mein aa gaye, because we have already discussed them, theek hai. Now company intended to persuade or compel the armies to pay the money and the consent to abrogation of the article of the treaty of 1832. अब 1832 में जो इनके साथ आमिर्स के साथ ट्रीटी साइन हुई थी, यहाँ पे एक आर्टिकल था कि इंग्लिश ट्रूप्स का मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज प्रोहिबिटेड द मूवमेंट ऑफ द इंग्लिश ट्रूप्स इन सिंध बाई लैंड और द रिवर. देखिए ट्रेड हो रहा था, ट्रैवलर्स आ रहे थे, मर्चेंट्स उस रूट को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश ट्रूप्स को अभी तक अलाउ नहीं था कि वो उस रूट को एक्सेस कर पाए, सिंध के रूट को, वेदर बाय लैंड और वेदर बाय रिवर, दैट इज इंडस रिवर. तो अब यहाँ पे इसको ये अमेंड करना चाह रहे थे इंग्लिश, कि किसी तरीके से अब इंग्लिश ट्रूप्स को भी जो है वो अलाउ कर दें यहाँ से पास करने को, ओके. तो ये इसलिए जो कंपनी है इसको किसको परसुएट करना चाहती थी, आमिर्स को परसुएट करना चाहती थी. मतलब ये वाला तो इनको करना ही करना है कि ये आर्टिकल आप रिमूव कर दो, प्लस एक और परसुएशन करें कि आप हमको मनी भी दो, हमारे जो ट्रूप्स जाएंगे, हमारे जो ट्रूप्स स्टेशन होंगे उनके मेंटेनेंस के लिए हमको मनी भी चाहिए. नाउ अंडर थ्रेट ऑफ द सुपीरियर फोर्स, अब क्योंकि आमिर्स को पता था दैट इंग्लिश को हम नहीं फाइट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन्होंने ये ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली इन द ईयर 1839, एंड नाउ ब्रिटिश सब्सिडरी फोर्स हैड टू बी स्टेशन, दैट इज अब इंग्लिश के ट्रूप्स स्टेशन हो जाएंगे सिंध में, और आपका सिंध किसके अंडर आ जाएगा, सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आ जाएगा. इसके बाद आमीर्स वर डिबार्ड फ्रॉम हैविंग एनी नेगोशिएशंस विद फॉरेन स्टेट, जैसा कि होता था एक बार अगर आपकी सब्सिडरी अलायंस लग गई उसके बाद बिना कंपनी की परमिशन के आप किसी और फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके की नेगोशिएशंस नहीं करोगे, उनके साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं करोगे, ठीक है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंपनी. प्लस
abolishing all the tolls on the Indus. Indus पे जितने भी tolls लग रहे थे वो सारे हटाए जाएंगे and एक auxiliary force दी जाएगी for the Afghan war. अगर अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश इंडिया का वॉर हो जाता है या ब्रिटिश का वॉर हो जाता है तो उसके लिए आप हमें एक auxiliary that is एक supportive force भी प्रोवाइड करोगे. तो दिस वॉज अबाउट दी सब्सिडरी अलायंस ऑफ दी सिंध. नाउ कैपिटुलेशन ऑफ द सिंध, दैट इज इंग्लिश ने क्या चार्जेस लगाए अमीर्स के ऊपर जिसको फिर नाम दे दिया गया उसके कॉन्क्वेस्ट का. ठीक है, तो पहला आपका एंग्लो अफगान वॉर हो गया है 1839 से 42 में. साइड में आप देखिए, एक तरफ अमीर्स के साथ ट्रीटी साइन हो गई है, उनको सब्सिडरी अलायंस में ला दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इनका अफगान्स के साथ वॉर भी चल रहा है. लेकिन वो वॉर कहाँ पे लड़ा जा रहा है, सिंध में ही लड़ा जा रहा है. तो अब ये क्या अमीर्स को पसंद आएगा, ऑब्वियसली नॉट. सो नीदर डिड दे लाइक द प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स जो सब्सिडरी अलायंस के बाद वहाँ पे स्टेशनड हो गई थी, प्लस ऑब्वियसली दे डिडंट वॉन्ट कि हमारी ही सॉइल पे किसी और के साथ आप वॉर लड़ रहे हो और उसमें वी हैव टू पे. ठीक है, वी आर गेटिंग इन्वॉल्व. सो अंडर द ट्रीटी दे वर आस्क्ड टू पे फॉर ऑल दिस. ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि वो जो ट्रीटी साइन करना चाह रहे हैं इससे पहले इंग्लिश, ठीक है, एक आर्टिकल रिमूव करना था उनको, प्लस दे वॉन्टेड टू पे द मनी जो है वो मनी पे करें, सारा एक्सपेंस खर्चा उठाए उसके लिए. तो ये सारी चीजें अमीर्स वर नॉट लाइकिंग. सो दे वर ऑब्वियसली समवेयर काइंड ऑफ अपोजिंग द ब्रिटिश. ठीक है, अब इसको कैसे काउंटर करेंगे इंग्लिश, कुछ तो करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहां पे अब आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन में था कि मैन्युफैक्चर किया उन्होंने, तो वो समझ में आएगा दैट यस उन्होंने कंडीशंस क्रिएट किए. तो अमीर्स को उन्होंने ब्लेम किया, एलिगेशन लगाए उन पर, दे वर चार्ज विद ट्रेजनेबल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, कि आप हमारे अगेंस्ट जो है ट्रेजन कर रहे हो, आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो. एंड देन ही सेंट आउटरम टू सिंध, ओके, टू नेगोशिएट अ न्यू ट्रीटी, कि एक नई ट्रीटी जो है साइन की जाएगी आमिर्स के साथ. और इस ट्रीटी के अंडर में क्या हुआ, आमिर्स वर रिक्वायर्ड टू सीड इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस एज द प्राइज ऑफ देयर पास्ट ट्रांसग्रेशंस, कि आपने पहले पास्ट में जो हमारे रीजन्स में आके ट्रांसग्रेशन किया है, दैट इज इंटरफेयर किया है, या फिर हमारे प्रोविंसेस हमारे रीजन्स को एक्वायर करने की कोशिश की है, उसके बदले में आप हमें कुछ अपनी टेरिटरीज दोगे. ठीक है, एंड आप कॉइन्स मिंट करना स्टॉप कर दोगे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉइन्स ही अगर मिंट हो जाएंगे बंद होना, तो जो इस एक पर्टिकुलर रीजन की या एम्पायर की अगर करेंसी है, एस्टेब्लिश्ड करेंसी, अगर वो ही सर्कुलेट होना बंद हो जाएगी, तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो स्ट्रांग होल्ड है उस पर्टिकुलर एम्पायर का, वो उस रीजन से ख़त्म होने लगा है. ठीक है, एंड सेम वॉज हैपनिंग, एंड नाउ इंग्लिश स्टार्टेड अ वॉर व्हेन द आमिर्स रोज इन रिवोल्ट. जब ये सब नहीं आमिर्स को समझ में आया, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, एंड दे वर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस कि अब करें तो क्या करें, तो दे हैड टू फाइट द वॉर विद द इंग्लिश. एंड ऑब्वियसली यू नो दैट इंग्लिश वर डेफिनेटली सुपीरियर इन एवरीथिंग, इन आर्म्स एंड ऑल, इन ट्रूप्स एज वेल. सो दे डिफीटेड द आर्मीज एंड होल ऑफ सिंध कैपिटुलेटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम. सबको कैप्चर कर लिया, पूरे सिंध को लगभग, एंड द आर्मीज वर मेड कैप्टिव्स एंड बैनिश्ड फ्रॉम द सिंध. उनको पहले कैप्टिव बनाया, उनको एग्जाइल किया, एंड देन उनको निकाल दिया गया सिंध से. एंड इन 1843 अंडर द गवर्नर जनरल एलन बरो इस टाइम पे गवर्नर जनरल बन गए हैं, सिंध को पूरी तरीके से मर्ज कर लिया ब्रिटिश एम्पायर में, एंड चार्ल्स नेपियर वॉज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट गवर्नर. सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1843 इज दैट फाइनल ईयर जब सिंध भी अपना एग्जिस्टेंस खो देता है. ठीक है, अपना एक्सक्लूसिव एग्जिस्टेंस खो देता है, एंड इट गेट्स मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर. ये गवर्नर जनरल आपको जरूर याद रखने हैं, एलन बोरो इज द गवर्नर जनरल. ठीक है, व्हेन द सिंध इज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, एंड चार्ल्स नेपियर इसके पहले गवर्नर थे. ओके, रिमेंबर नाउ दिस, ओके, कैपिटुलेशन ऑफ द सिंध, दिस विल बिकम योर सिक्स्थ पॉइंट. नेक्स्ट आपका फाइनल कॉन्क्लूजन में आप डालेंगे क्रिटिसिज्म इस कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध का. क्या क्रिटिसिज्म था, ये वही लैंग्वेज है आपकी क्वेश्चन की, दैट दे कंडेम्ड द एक्विजिशन ऑफ सिंध एंड द कॉजेज फॉर एनेक्सेशन वर डेलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड. अफगान वॉर इज ऑल्सो अ टेल ऑफ बुलिंग टैक्टिक्स एंड डिसीट. दैट इज समथिंग जो हम पहले से देखते आ रहे हैं कि इंग्लिश की जो डिप्लोमेसी थी, वो जो स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स यूज करते थे, वो कहीं ना कहीं डिसीट, दैट इज बिट्रेयल की टैक्टिक्स यूज करते थे, कि किसी तरीके
एनी हाउ समहाउ धोखा देके या किसी भी तरीके से हमको जो है विन करना है. एंड जो छोटे छोटे रीजन्स थे, जो लेस पावरफुल रीजन्स थे उनके कंपैरिजन में, उनको उन्होंने बुली किया, दैट इज समहाउ दे ओवरपावर्ड देम. एंड हाँ, इन द इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट अफगान वॉर जो आपका हुआ, इंग्लिश सफर्ड टेरेबली. यहाँ पे उनको काफ़ी इन्होंने लूज भी किया, लेकिन इनकी प्रेस्टीज भी लूज होती है, लेकिन इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इन्होंने सिंध को एनेक्स किया. एंड एल्फिनस्टोन इसलिए यहाँ पे कहते भी हैं दैट कमिंग फ्रॉम द अफगानिस्तान इट पुट वन इन माइंड ऑफ अ बुली हु हैज़ बीन नॉक्ड इन द स्ट्रीट एंड वेंट होम टू बीट हिज वाइफ इन रिवेंज. दिस इज दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग लाइन्स दैट आप लड़ने गए अफगानिस्तान से, हार के आ गए, तो उसका गुस्सा आप निकाल रहे हो सिंध पे. यहाँ पे सिंध को जो है किससे रिलेट किया गया है, विद द वाइफ. ठीक है, एंड यस, सो दिस इज बहुत इंटरेस्टिंग लाइन से कंक्लूजन में डालेंगे तो आंसर विल बी वंडरफुल. ओके, सो दिस वॉज अबाउट योर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड वी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल द पॉइंट्स. सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे आपका पंजाब. ओके, and that's it for today, and don't forget to like, share and subscribe. Okay, thank you.